नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फीस स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, जो मैंने पिछली वीडियो बनाई है दोस्तों, वहाँ पे एक ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन सी वहाँ पे LMB, MCWG और HMB में कौन कौन से हम वाहन चला सकते हैं, कौन से व्हीकल हम ड्राइव कर सकते हैं, तो उन सभी वीडियो में दोस्तों काफ़ी लोगों ने पूछा कि फ़ीस कितनी है दोस्तों लर्निंग लाइसेंस की, परमानेंट की, LMB की फ़ीस कितनी है, MCWG की, HMB की। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको कोई भी अगर वहाँ पे डाउट रहता है तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दो दोस्तों कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, क्या उसके वहाँ पे क्राइटेरिया है और कैसे वो दोस्तों उसको अप्लाई करना है, तो इन सब बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, प्लेलिस्ट है ड्राइविंग लाइसेंस, आप उसको जाइए देखिए मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट ड्राइविंग लाइसेंस को चेकआउट करें, उससे आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इंप्रूव होगा, नो डाउट। तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ लर्निंग लाइसेंस की। लर्निंग लाइसेंस दोस्तों, ये अप्लाई आप जब करेंगे तो इसकी फ़ीस कितनी लगती है, तो फ़ीस इसकी दोस्तों लर्निंग लाइसेंस की, वहाँ पे जैसे मैं बात करता हूँ MCWG की, मोटरसाइकिल विद गियर, जिसका फुल फॉर्म होता है मोटरसाइकिल विद गियर, MCWG इसका मतलब हो गया। तो मोटरसाइकिल विद गियर जो वहाँ पे लर्निंग लाइसेंस जब आप अप्लाई करोगे तो इसके लिए दोस्तों आपको वहाँ पे चुकाने होंगे पहले 150 रुपये, पहले दोस्तों जो था 30 रुपये था दोस्तों, 2022 जनवरी 2019 से दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया है, जो रेट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ीस जिसको आप बोलते हो वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया है, लगभग आप 10 गुना इसको आप बोल सकते हो दोस्तों इंक्रीज़ कर दिया। पहले ये 30 रुपये था फ़ीस, अभी दोस्तों वहाँ पे 150 रुपये आपको ये दोस्तों देना है MCWG के लिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए, प्लस 50 रुपये दोस्तों आपको देना है ऑनलाइन टेस्ट के लिए, जब टेस्ट आपका होता है तो उसके लिए 50 रुपये, तो टोटल हो गया 200 रुपये। तो 200 रुपये आपका लगेगा दोस्तों लर्निंग लाइसेंस MCWG बनवाने के लिए। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे LMB की, लर्निंग लाइसेंस की, लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें आप दोस्तों वहाँ पे कार, अपने स्कॉर्पियो, बोलेरो और फोर व्हीलर गाड़ियाँ चलाते हो, तो LMB की फ़ीस हम जानते हैं लर्निंग लाइसेंस में। तो LMB जो दोस्तों लाइसेंस होता है उसकी लर्निंग फ़ीस होती है दोस्तों 150 रुपये, 150 रुपये और 50 रुपये दोस्तों यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट के लिए लगेगा, तो इसके लिए भी 200 रुपये। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे HMB की, ये लर्निंग लाइसेंस HMB की, तो HMB के लिए दोस्तों जो फ़ीस होती है वो है दोस्तों यहाँ पे रखी गई है, इसके लिए भी 150 रुपये है दोस्तों, 150 रुपये प्लस 50 रुपये का वहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट फ़ीस देनी पड़ेगी, तो 200 रुपये इसका हो गया। यहाँ पे आप गौर करने वाली बात ये है दोस्तों, जैसे आप अप्लाई करते हो मोटरसाइकिल विद गियर का और साथ में फोर व्हीलर, टू व्हीलर प्लस फोर व्हीलर का, मोटरसाइकिल विद गियर यानी MCWG प्लस LMB दोनों आप अप्लाई करते हो, तो इसमें आपको फ़ीस कितनी लगेगी, इसमें दोस्तों आप 150 रुपये MCWG लर्निंग लाइसेंस का और 150 रुपये यानी कि 150 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये, फिर उसके बाद दोस्तों आपका 50 रुपये लगेगा टेस्ट का, ऑनलाइन टेस्ट जो होता है, तो टोटल आपको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे फ़ीस आपको टोटल 350 रुपये पे करनी होगी लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए, अगर आप दो पहिए चार पहिए का एक साथ बनवा रहे हो तो, अलग अलग बनवाएंगे तो इससे आपका थोड़ा कॉस्टली लगेगा। ये पहले जो फ़ीस थी यहाँ पे ये 30 रुपये थी, अभी वो दोस्तों आपको 350 रुपये पे करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया लर्निंग लाइसेंस की फ़ीस कितनी है दोस्तों, जो ऑफिशियल अभी चल रहा है सोर्स इसका क्या है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दोस्तों वहाँ पे मेंशनड है, वहाँ पे parivahan.gov.in सारथी पे जब वहाँ पे अप्लाई करते हो तो, ये दोस्तों जो फ़ीस स्ट्रक्चर मैं वहीं से बता रहा हूँ, वहीं सोर्स है दोस्तों जो ऑफिशियल है, ये फ़ीसें घटती और बढ़ती भी रहती है दोस्तों, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये फ़ीस बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी दोस्तों जी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वहाँ पे 13 सितंबर 2019 को, तो फ़ीस स्ट्रक्चर यही है अभी। फिर उसके बाद बात करते हैं हम परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस में फ़ीस क्या लगती है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोटरसाइकिल विद गियर की यानी टू व्हीलर की, तो MCWG फ़ीस जब आप परमानेंटली बनवाओगे तो यहाँ पे फ़ीस आपको पे करनी होगी 700 रुपये, पहले ये फ़ीस सिर्फ 250 रुपये थी, अभी दोस्तों 700 रुपये है, तो 700 रुपये में आपका क्या कैसे कैसे है, तो 700 रुपये में दोस्तों आपको 300 रुपये डीएल मेकिंग चार्ज लगा हुआ है, 200 रुपये सर्विस चार्ज लगा हुआ है और 200 रुपये वहाँ पे आपके कार्ड का लगा हुआ है, तो कार्ड जब आप लेते हो तो ATM के जैसा कार्ड आप मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस का, तो वो कार्ड तो रहता है बेसिकली दोस्तों 20 से 30 रुपये का, लेकिन उसके चार्ज कितने हो रहे हैं 200 रुपये, तो 200 रुपये उसका, 200 रुपये सर्विस चार्ज का, 300 रुपये आपके डीएल मेकिंग चार्ज, यानी टोटल 700 रुपये MCWG लाइसेंस परमानेंट के लिए आपको पे करना होगा। फिर वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल यानी कि चार पहिया वाहन जब आप
परमानेंट करवाने जाते हो तो कितनी फ़ीस आपको पे करनी होगी ऑफिशियली, तो यहाँ पे फ़ीस आपको वहाँ पे 700 रुपये पे करनी होगी। 700 रुपये में दोस्तों 300 रुपये आपका वहाँ पे चार्ज लगेगा डीएल मेकिंग चार्ज, 200 रुपये सर्विस चार्ज, 200 रुपये कार्ड आपका चार्ज, तो टोटल 700 रुपये आपको पे करने होंगे एल एम बी के लिए। एच एम बी के लिए दोस्तों यही 1000 रुपये है परमानेंट के लिए। 1000 रुपये में दोस्तों कैसे, अब एच एम बी में ध्यान रखिएगा, इस एच एम बी में फ़ीस काफ़ी वेरिएंट डिफरेंट टाइप के होते हैं फ़ीस इसमें दोस्तों, क्योंकि इसमें कई कैटेगरी होती हैं, और एल एम बी में भी दोस्तों यहाँ पे फ़ीस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। मैं एल एम बी की बात कर रहा हूँ, एल एम बी टी आर भी होता है, एल एम बी एन टी भी होता है, एल एम बी टी भी होता है, तो फ़ीस डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ओवरव्यू जो है दोस्तों मेंशन जो है वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एच एम बी के लिए दोस्तों 1000, इसमें आपके 500 रुपये डीएल मेकिंग चार्ज, और वहाँ पे 300 रुपये सर्विस चार्ज, और 200 रुपये आपके कार्ड का, तो टोटल 1000 रुपये आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए पे करना होगा एच एम बी के लिए। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर आप साथ में दोस्तों बनवाते हो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, किसका, टू व्हीलर का और फोर व्हीलर का, एच एम बी और एल एम बी साथ में अगर आप परमानेंट करवाते हो तो आपको फ़ीस 1000 रुपये पे करनी होगी। तो इसमें 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, 1000 रुपये टोटल अगर आप दो पहिया और चार पहिया का एक साथ बनवाते हो तो। तो फीस कैसे लगती है, फीस स्ट्रक्चर सेम वही है, इसमें 300 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि वहाँ पे आपके वो डीएल मेकिंग चार्ज जो होता है 300 रुपये, 200 रुपये आपका सर्विस चार्ज, 200 रुपये आपका वहाँ पे प्रिंट होके जो आएगा कार्ड का, तो टोटल वहाँ पे 700 प्लस 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है अगर आप दोनों साथ में बनवाते हो तो। इसमें आपके काफ़ी बचत भी हो जाती है मनी की। तो और इसके अलावा मैं आपको ध्यान से बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाने जा रहे हो तो उसके कितने चार्ज होते हैं। तो अगर आप रिन्यूअल करवाते हो तो आपके आपके 250 रुपये आपको पे करना होता है, प्लस एक फॉर्म फिलअप करना होगा, प्लस अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस उसमें चिपकाना होगा। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे 250 रुपये देना होगा, 250 रुपये आप सबमिट करेंगे तो आपको नया रिन्यूअल हो जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद बात करते हैं हम डुप्लीकेट लाइसेंस की। डुप्लीकेट का मतलब ये होता है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कहीं खो गया, फिर से आप इशू करवाने जाते हो तो उसको डुप्लीकेट बोला जाता है। तो फिर से आप अगर इशू करवा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस तो डुप्लीकेट उसको बोला जाता है। उसकी फ़ीस दोस्तों आपको एक फॉर्म प्लस 200 रुपये आपको पे करने होगी, 200 रुपये प्लस एक फॉर्म फिलअप करके आप अपना वहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपको वहाँ पे नया ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा, डुप्लीकेट जिसको बोला जाता है। अब डुप्लीकेट और वहाँ पे रिन्यूअल में क्या डिफरेंस है, डुप्लीकेट का मतलब ये होता है डुप्लीकेट लाइसेंस जो खो जाता है उसको डुप्लीकेट लाइसेंस बोला जाता है, फिर से आप बनवाने जाते हो तो उसको डुप्लीकेट बोला जाता है। और वहीं पे रिन्यूअल जो होता है, रिन्यूअल लाइसेंस वो होता है जिसकी वहाँ पे एक्सपायर्ड हो चुका है तो आप उसको रिन्यू करवाते हो, तो ये होता है। तो ये है कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे और बहुत सारी फ़ीस भी लग सकती है, ये मैंने ऑफिशियली आपको बताया है। अगर आप वहाँ पे थर्ड पार्टी के किसी माध्यम से, किसी ब्रोकर या दलाल के माध्यम से बनवाते हो अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो आपके वो 3000-4000 रुपये तक ले लेते हैं दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप और भी चार्जेस लगते हैं, जैसे कि आप कोई फॉर्म वहाँ पे ख़रीद के भरते हो दोस्तों तो उस फॉर्म का भी चार्ज 50 रुपये होता है, प्लस आपको बोलते हैं कि इसमें एक आप लिफाफा लगाइए, उसके माध्यम से हम वहाँ पे इसमें स्टिकर वगैरह लगाइए कि उसके माध्यम से हम आपके डीएल को घर पे भेजेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत ही रेयरेस्ट केस में दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस वो स्पीड पोस्ट से भेजते हैं उस लिफाफे से, लेकिन पैसा वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ और पैसे आपके लग सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए। ये जो मैंने प्रीवियसली बताया दोस्तों सर्विस फ़ीस जो है वो दोस्तों मैंने ऑफिशियली बताया है, सोर्स parivahan.gov.in सारथी है दोस्तों, चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद दोस्तों कि आपको अभी पता लग गया होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिशियली कितने पैसे पे करने होते हैं। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के जाइए नीचे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर डेफिनेट जरूर दूंगा। और भी दोस्तों जानने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, कौन से वाहन किस वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस में चला सकते हैं, सब कुछ मैंने प्लेलिस्ट बनाई है ड्राइविंग लाइसेंस, उसको आप जाइए देखिए, आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन होगा उससे। तो वीडियो पर नए हो तो, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मैं फ्यूचर में दोस्तों ऐसी ही नॉलेजबल वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक आप शेयर करिएगा ताकि सब लोग को पता चल जाए कि ऑफिशियली फ़ीस क्या होती है, क्योंकि ऑफिस आजकल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बहुत सारे वहाँ पे मिसकन्फ्यूजन है और काफ़ी फ़ीस पे करनी पड़ रही है, तो उनको ऑफिशियली फ़ीस पता लगना चाहिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपके लिए जय हिंद, वंदे मातरम।